अपने पास वाले मंदिर में। भाभी जी अभी जो पूजा कर रही है बृहस्पति की। यहाँ पे रख दो बेटा। इसके मुंह में सुगली निकलती गंदी लड़की की, मुंह में सुगली निकाल। देखिए ये जो बैठने का नाम देखती हो कहीं भी। तो गाइस आज बटमावा सेना, इसलिए भाभी जी जो है यहाँ पे भी दिया जला रही है बड़ के वृक्ष के नीचे। आशीर्वाद मांग रहे ना, सदा स्वागन का आशीर्वाद दे दो मुझे। वो सती कौन थी वे मम्मी, कौन सी माता थी वे, किसने तपस्या करती इसके नीचे? सावित्री। हाँ सावित्री माता ने व्रत, सावित्री व्रत होता है ना आज के दिन, तो उन्होंने तपस्या की थी इसके नीचे बैठ के, इसलिए जो है इनकी पूजा होती है। पहले मैंने शिवनी माँ का पूजा करती थी। ये देखिए रुईयर माधव तो यहीं पे बैठे। हाँ। इनका लाड़ तेरा लाड़ बस। अभी जगह पूजा कर लिया, अब तो घर जाना है, बस घर चल दिए। अभी जल चढ़ा दिया और केले की भी पूजा कर ली, क्योंकि आज बृहस्पति है। दाल चढ़ा दी, हल्दी प्रसाद दिया लगा दिया और जल भी चढ़ा दिया, और यहाँ की बड़ की भी पूजा कर ली। वैसे वहां पर रेस्ट कर रही। चलो भैया अब घर चलो। इधर दी पत्नी पहले रेस्ट में क्या थी, अब मम्मी आ गए माधव पुरान शुरू हो गया काम साढ़े बजे पिछली बार तो मैं को आया करेगा थी, इस बार पता नहीं मैं आ गई नहीं। इस बार वैसे जल्दी आ गई, मैं लगता फिर आ गया सामान में। अनार के पेड़ पे ना देखो अनार आ रहे, छोटा सा अनार का पेड़ है और अनार देखो कितने खा रहे आ रहे। चारों तरफ फल पड़े, ये तो पक भी रहा है, तो देखो रेड हो रहा। याद आ गई धूप में, वही लाल से होगा बिल्कुल। बाबू अब सबको प्रसाद तो दे दो, पूजा तो करी आए आप। आज वैसे बाबू प्रसाद ले लो बेटा, लो सबसे पहला कन्या को देख रहे हैं प्रसाद लो। सारा नहीं लेना बेटा, इसमें तो थोड़ा सा लेना। देख लो आप पानी लो, बस 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 और नहीं। आप लो पानी लो पहले, गंदी हो रही। अतरुणा तो बैठना सीखा ना, कुड़ा लियो चलना सीखा सीधा, वही पैरों चलना सीखा इसने। देखो चल चल का रहा बाहर से। अथर्व बाहर बैठा बहुत देर से, बच्चों की आवाज सुने ना तो बहुत शोर कर दे अंदर की, मुझे बाहर चलो ले गया। देखो देखो क्या क्या कह रहा। खेलता खेलता मेरे तो बेटा गिर भी गया, उठ जाओ मेरे बच्चे। हाँ जी तो गाइस अभी मैं ना गिरफ के लिए हल्दी का चार डाल लेंगे, कल परसों लेके आए थे और ये ना सूख के ना लाल हो गई बिल्कुल, ये देख लीजिए। इनमें से ना छाट रही हूँ कौन सी सही है कौन सी नहीं, अचार में कम नहीं डलेगा, सारी बेकार होगी सूख गई। अब इनकी ना टनखर तोड़ तोड़ के रख रही, गर्मी की वजह से लाल होगी ये, वरना इतनी जल्दी लाल नहीं होती। बस तो गाइस शाम के 5:30 बजे है और मैं रसोई में आई हूँ और मैं चाय बना रही हूँ, दीदी की अपनी और मम्मी की, तीनों की चाय बना रही हूँ क्योंकि हम तीनों यहाँ पीने वाले, पापा इधर ड्यूटी जा रहे हैं। तो गाइस चाय मैंने रख दी है, दूध डालना रह रहा, वैसे चाय बन गई बस दूध डाल दूंगी। अब करेले काट के रखे अचार डालने के लिए, करेलों का अचार डलेगा, इनमें से ही निकल ली इनके अंदर की बीज छिलक पूरी गंदगी निकाल दी और ये अच्छे से साफ करके काट लिए। बस गौरी और अवनी आई दोनों, उन्होंने कह रही चाची और मामी हम आपके पास खेलने के लिए आए, मगर ठीक है बाबू अब मैं इनके साथ थोड़ी देर खेल लूंगी, क्या खेल लूंगी झूल, हम बेड़ में झूल लेंगे, झूलम झूली खेल लेंगे झूले लेंगे। और अवनी ने तो अपना पर्स भी टंगा रखा,
दिखाइए उन्हें अपना पर्स, देखो ये रहा। चलो बेटा बाहर ये झूले में झूल लेंगे, वैसु की ये चेयर उतार देंगे और हम बैठ के झूल लेंगे। शाम के 6 बज रहे हैं और इधर भाभी जी लग गई है किचन में शाम का खाना तैयार करने के लिए। क्या बना रही हो भाभी जी शाम के खाने में? हाँ अभी बर्तन साफ किया, अब रसोई साफ कर रही है। और तब तक मैंने जो है इन दोनों को रखा, वो तो चली गई रुई तो, और वैष्णवी जा रही है ऊपर और हाँ झाड़ू लेके। बेटा मैं अपना आप कर लूंगी, वैष्णवी छोड़ दो मैं अपना आप कर लूंगी बेटा। तो गाइस शाम के 6:30 बजे और खाने का टाइम हो गया है। तो गाइस आज ना खाने में दाल चावल बनेंगे, मलका की और चने की दाल मिक्स होकर बनेगी और चावल। तो ठीक है गाइस चलते हैं रसोई में। तो गाइस मैं रसोई में आ गई हूँ और मैं दाल भिगो गई थी, करीबन 1 घंटा हो गया। तो मैं दाल को बनने के लिए रखूँगी धुल के। तो ठीक है गाइस रख देती हूँ दाल को। देखो यहाँ पे मैंने दाल भिगो दी थी, अब इसे धुल के कुकर में रख रही हूँ। रख दी मैंने दाल, अब कुकर को बंद कर देती हूँ। ये कुकर बंद। गाइस तो आज मैं एक डिजाइनर ड्रेस सिल रही हूँ, पहले तो काट रही हूँ। ये हमारी जो मैडम जी की जो ड्रेस थी सामने लगा रहे थे दिखाने के लिए, जो उसकी ड्रेस थी ना वो बिल्कुल पंजों तक मिली हुई थी, यहाँ तक थी पहले, ये टॉप था ये सरक सरक के यहाँ तक घुस गया, पता नहीं कैसे मैजिक था शायद। अब ये ना कटवा के ना खुलवा रही है, अब ये ना फिर मैं काट रही हूँ गोलाई में। अभी आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे कैसी हो रही है ये ड्रेस। अब तो गाइस दाल भी बन गई है, चावल भी बन गए हैं और दाल सोखने का सभी सामान तैयार हो गया है और आटा भी लग गया है। टोटल काम होगा बर्तन जो भी आपका काम था सब कुछ हो गया, बस अब दाल सोखनी जाएगी और रोटी सेकनी जाएगी। फिर चावल बनने लग गए और दाल तो बन गई और पेस्ट वगैरह बना दिया और आटा भी लगा के रख दिया, बर्तन भी धुल के टोटल काम हो गया। तो गई रात के 9:30 बजे और खाना खाया है, अभी खाना खा के छत पर घूमने के लिए जा रहे हैं ना, और मैं कि थोड़ा सा टहल लेंगे खाना खा के। तो कितना बुरा हाल हो रहा है, सिंदूर तो पूरे चेहरे पे को बह बह खा गए, देखो जैसे कि खून निकल गया हो, चोट लग गई हो, इतना गंदा हाल होगा बहुत। पसीनों में छूट भी नहीं रहा, अभी मुँह धुलका ही फिर भी नहीं छूटा, बहुत पक्के वाला सिंदूर है। बॉडीगार्ड आ गया और मैं तो पीछे हूँ क्योंकि मुझे तो वही डर लगे कभी बंदर हो छत पे, इसीलिए घूमने के लिए बहुत अच्छी हवा चल रही मजा आ रहा घूमने में, ठंडी ठंडी हवा चल रही, नीचे तो गर्म हवा आ रही पंखे की, ऊपर तो सुधा हुआ है भाई बहुत। ऐसे गंजे को तो नींद नहीं आती, देखो झूल रहा अपनी बुआ जी पे, ये मैं तो ऊपर घूम रही और ये नीचे झूल रहा, क्लियर नहीं दिख रहा, बस सर सर दिख रहा। रेली जाने नहीं कर रही, देखा किसी की हड्डो पेड़ा ओए दीदी, ए झूलने वाले इतने सारे देखने वाले, मम्मा के पापा के मम्मा के मम्मा के बुआ जी के फुप्पा जी के दादी के पापा के मुस्सा के मुस्सी के मम्मा के मम्मी के पापा जी के पूरे परिवार के।